साइड प्रूव करना है, तो एएस रूल आ गया। जी सर। और ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ हमने बोल दिया, ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ए बी इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, और ये प्रूफ हो गया, बस इतना सही है। समझ गया? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ BE इक्वल टू CF, ये देखो ये BE है और ये CF है, राइट ये आके गिवन है, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF इज कॉमन, ओके। और जो राइट एंगल है एंगल AEF, एंगल AEB ये वाला है, AEB ये वाला एंगल, ये वाला ओके इज इक्वल टू एंगल AFC, AFC ये वाला एंगल ओके। So, therefore, by AAS rule, triangle ABE is congruent to triangle ACF. Okay? This implies, अभी second वाला, okay? इसको one बोल सकते हैं. From one, okay, from one, AB equal to AC by CPCT, okay, तो ये proof होगा. Hence, ABC is an isosceles triangle, okay. एंगल सॉरी एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉब्लम को हम समझना है। एबीसी ये ऊपर जो ट्राइंगल है वो, एंड डीबीसी ये नीचे जो ट्राइंगल है वो, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले में ए बी इक्वल टू ए सी है और नीचे ट्राइंगल में बी डी इक्वल टू सी डी है, या DB इक्वल टू DC बोल, ठीक है। अपने को ये बताना है, प्रूव करना है, ABD मतलब ये पूरा एंगल, ACD मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बहुत ही ये सिंपल है। पहले ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बोल देना है, और फिर नीचे जो ट्रायंगल है उसमें ले लेंगे डीबी इक्वल टू डीसी, इसलिए एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल डीसीबी बोलेंगे, फिर ऊपर जो प्रूफ हुआ उसको वन बोलेंगे और नीचे जो प्रूफ हुआ उसको टू बोलेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एबीडी इक्वल टू एसीडी, ऐसा मिलेगा, राइट right? ओके okay, तो कर लें अभी इसको। जी सर। सो फर्स्ट गिवन है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, with the same base BC, with the same base BC, ये दिया हुआ है,
ठीक है, डायग्राम भी दिया हुआ, नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा। टू प्रूव में हमें ये लिखना होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये लिखना है अपने को, राइट। ओके, तो अभी हमारा प्रूफ हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे जो ऊपर का ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी। ओके, इसको बोलना वन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, देयरफॉर एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ओके, डी सी बी, हाँ, एंगल इसको बोलेंगे टू। अब दोनों को ऐड कर लो, एडिंग वन एंड टू, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, राइट हैंड साइड दोनों ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड होगा, ए सी बी प्लस डी सी बी एंगल। तो इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा मिलेगा। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो प्रूफ हो गया, राइट। एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड बी एंड सी, ऐसा बोला है, राइट। तो बहुत इजी लग रहा है ये सम पढ़ने से, आपको कैसा लग रहा है? जी सर, ठीक ठाक लग रहा है। देखने एक ट्रायंगल बना लो आप, एबीसी यहाँ पे एंगल ए पे 90 डिग्री बनाना आपको, ठीक है। एंड ए बी और ए सी, तो इसको अगर मैं बी बोलूं और इसको सी बोलूं तो ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है, जितना ए बी है उतना ही बी सी है, सॉरी ए बी एंड ए सी बोला है ना, अच्छा जितना ए बी है उतना ही ए सी है, राइट, समझ गए इसको? जी सर। तो क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, राइट। ओके जी सर। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, वी हैव दिस एंगल,
ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. वी हैव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अभी? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इक्वल टू, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये है 90 डिग्री सर. हाँ, तो डब्ल्यू के टी क्या है वहां पे? वी नो दैट एंगल बी प्लस एंगल बी लिख लो, क्योंकि बी इक्वल टू सी है. सो टू बी इक्वल टू 180 इंप्लाइज 1 बी इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू सॉरी 1 बी इक्वल टू 90/2 एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 2b इक्वल टू 90 आएगा, 180 माइनस 90 आएगा. हाँ, ओके, 2b इक्वल टू 180 माइनस 90, b इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल बी 45 है और बी और सी दोनों इक्वल है, इसलिए सी भी 45 डिग्री है. सो बी और सी 45 डिग्री हो गया, राइट? इसमें कोई डाउट? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जी सर. क्योंकि देखने में जो इजी लगता है वो करके बताया तो थोड़ा टफ हो जाता है, है कि नहीं? तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया आपके लिए एबीसी. ओके, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री. सो व्हाट इज गिवन? गिवन दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. बता सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? हर एंगल 60 डिग्री होगा. ठीक है, और कुछ? वो तो प्रूफ करना है आपने को. हर एंगल 60 डिग्री होगा मतलब हर एंगल इक्वल तो होगा. एंगल्स तो इक्वल होगा ही होगा, और क्या इक्वल होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल इक्वल है, और क्या इक्वल है सर? एंगल और लेंथ. किसका लेंथ? साइड. साइड्स का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. एक मिनट. हाँ, तो इसका सभी साइड इक्वल होगा, है ना? तो गिवन तो हमने लिखा टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. ये प्रूफ करने का आपको, राइट? तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. बिकॉज एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, ये और ये तीनों इक्वल है. ठीक है. अच्छा, अभी सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि ये दो साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा, जैसे
ए बी इक्वल टू बी सी हम लेते हैं, ए बी हो गया ये, तो इसका ऑपोजिट एंगल हुआ ये, और बी सी हो गया ये, तो इसका ऑपोजिट एंगल हुआ ये, यानी ये दोनों इक्वल होगा. सो व्हेन ए बी इक्वल टू बी सी, ओके, व्हेन ए बी इक्वल टू बी सी, वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू ए सी लेंगे. सो व्हेन बी सी इक्वल टू ए सी, तो उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, देन वी हैव बी सी के सामने कौन सा है बोलो, बी सी के सामने एंगल ए, जी सर, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ए ए बी बी, तो वो इक्वल होगा, ओके. और अभी हम बोलेंगे व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी, जब ए बी और ए सी दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, देन वी हैव ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, और ए सी के सामने, सर ए सी के सामने वो एक मिनट, ए सी के सामने बी बी है, तो वो होगा इक्वल, राइट. तो ए एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो गया, हुआ ना. अभी मैं इनको ऐड कर दूं तीनों को, मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट. देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, पहले हम एक सम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, राइट. अभी मैं तीनों को ए ले लेता हूं, अभी तीनों इक्वल है तो तीनों को ए ले लेता हूं, ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 3a, एंगल 3 टाइम्स एंगल ए इज 180 इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ए और बी और सी तीनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 60 कमा एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू, तो प्रूफ हो गया, समझे, जी सर. तो आप लोग लिख सकते हो इसको अभी.